हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ वास्तु टिप्स के बारे में। आज हम आपको बताएंगे भूलकर भी घर में ना रखें ये चीज़ें, वरना आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के वक्त में हर कोई व्यक्ति अपने घर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार करना चाहता है। आप और हम सभी लोगों को परिवार की भलाई और समृद्धि के लिए वास्तुशास्त्र का महत्व मालूम है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जिन बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता, जो हकीकत में हमारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होता। यही छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे परिवार पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके घर में रहने से कभी भी घर में सकारात्मकता नहीं आती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वो चीज़ें क्या है। मधुमक्खी का छत्ता। दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता ना केवल आपके लिए खतरनाक है, बल्कि यह आपके घर के लिए भी दुर्भाग्य और गरीबी ला सकता है। इसीलिए आपको जब भी अपने घर में मधुमक्खी का छत्ता नजर आता है तो जल्दी से जल्दी उसे वहां से हटा देना चाहिए। दीवारों में दरार। यदि घर की दीवारों में दरार आ गई है तो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए यह नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इनको ठीक करवा लेना चाहिए। टूटा हुआ शीशा। घर में टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। यह आसपास की नकारात्मकता को घर में आकर्षित करता है और परिवार में गरीबी भी फैलाता है। सूखे पत्ते। अगर आपके घर में बगीचा या कोई पेड़ है तो इसकी सूखी पत्तियों को नियमित रूप से साफ करते रहें। इन्हें कभी भी अपने घर में इकट्ठा ना होने दें। आप इनसे कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। पानी का लीक हो रहा नल। दोस्तों, घर में फालतू में लीक हो रहा नल ना केवल पानी की बर्बादी होती है, बल्कि ये सकारात्मक ऊर्जा को भी घर के बाहर करते हैं। घर की छत पर कबाड़। ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग अपने घरों की छतों पर कूड़ा और खराब सामान इकट्ठा करते रहते हैं, जिसे वास्तु के मुताबिक अशुभ माना गया है। और जिस घर की छत पर कबाड़ हो, वहाँ पर लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया भूलकर भी घर में ना रखें ये चीज़ें, वरना जल्दी आप भी कंगाल हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगे तो आप इस जानकारी को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाएं। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। Thanks for watching.